आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट है हिस्ट्री और उसका फर्स्ट चैप्टर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इस चैप्टर के हम सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो इस चैप्टर में कोई इंटेक्स क्वेश्चन आंसर नहीं है आपको सीधा एक्सरसाइज पे आना पड़ेगा एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन का ए है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स तो यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट दिए मैं तीनों का आपको साथ में बताऊंगा आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहला है द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट इसका आंसर है न्यू दिल्ली सेकंड है द डैश इज़ इंक्लूडेड अमॉन्ग द ऑडियो विजुअल मीडिया इसका आंसर है टेलीविजन और थर्ड है डैश इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल सोर्सेज इसका आंसर है प्रोवर्ब्स इन तीनों का आंसर आपके सामने मैंने टिक किया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर बी पे आते आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर टू पे आते राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पहला है रिटर्न सोर्सेस इसका आंसर आपके सामने है सेकेंड है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका भी आंसर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते आ, लिखा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजंस पहला है द पोस्टल डिपार्टमेंट ट्राइज टू प्रिजर्व द हेरिटेज एंड द इंटेग्रिटी ऑफ इंडियन कल्चर थ्रू पोस्टेज स्टैम्प्स इसका आंसर आपके, आप uh, आपके सामने है आप इसका स्क्रीन ले लीजिए क्वेश्चन नंबर टू है ऑडियो विजुअल मीडिया आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इसका भी आंसर आपके सामने है तो एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे तो मतलब हमने चैप्टर के जो एक्सरसाइज है उसमें जितने क्वेश्चन थे उसके सारे आंसर मैंने आपको दिए अभी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ